हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज सुबह से बहुत ज्यादा सिर में दर्द फिर से पकड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों। हो सकता है गर्मी की वजह से, और आंख के पास भी देख सकते हैं अजीब जैसा लग रहा है। और सुबह से बहुत ज्यादा मतलब हेडेक है ना, तो मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। फिर भी नहीं करूंगी तो नहीं संभव है, क्योंकि जो भी ग्रोसरी आइटम आया तो कुछ मैंने रखा था, आप लोगों को दिखाया भी होगा वीडियो में, और कुछ बचे ही रह गए तो वो तो सारा खराब हो जाएगा। तो वही मैं अभी सुबह से कर रही हूँ, तो बहुत देर तक मैं कैमरे के पास नहीं आ पा रही थी। खुद में अच्छा फील नहीं होता है ना, कि अगर हम अच्छे नहीं लगते हैं तो खुद में अच्छा फील नहीं होता है। तो चलिए अभी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ जो काम मैं कर रही हूँ वो आप लोगों को दिखा रही हूँ बैक कैमरे से। तो फ्रेंड्स, एक दो बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। देखिए क्या होता है ना, कि आदमी की कितनी भी तबीयत खराब हो ना, तो उसे मतलब देख रहे होंगे बहुत ज्यादा आंख सूजा हुआ लग रहा होगा मेरा। और मुझे चश्मा, मतलब कि हो सकता है ना कि चश्मे की वजह से प्रॉब्लम आ रही, तो मुझे दिखाना है। तो मैं कैमरे के पास मतलब जब भी मैं आती हूँ ना, तो मुझे अपने आप को खराब से रिप्रेजेंट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो बस यही है कि जब भी मैं कैमरे के पास आती हूँ तो थोड़ा सोचती हूँ कि नहीं, अपने को अच्छे से रखना ही चाहिए, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि प्रॉब्लम सभी के पास है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास है तो किसी और के पास नहीं है, सबके पास प्रॉब्लम्स है। और यहाँ प्रेशर कुकर का आवाज़, आप लोगों को प्रेस का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। मैंने दाल चढ़ा रखा है और अब बस इधर आलू और करेला की सिंपल भुजिया बनानी है। तो वही है, कई लोगों ने कई बार मुझसे ये क्वेश्चन किया कि मतलब स्कूल में भी लोग बोलते हैं कि तबीयत खराब है, तो लग तो नहीं रही हो कि तुम्हारा तबीयत खराब है। लोग कह ही देते हैं, कहने वाले कह ही देते हैं। तो मैं उन लोगों को भी, यह भी जो भी हैं, उनको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं कि अगर आपकी तबीयत खराब है तो और आप उस दिन खराब से रहें। मेरी उल्टी आदत है, मेरी तबीयत जिस दिन खराब होती है, या उन दिनों भी, आप लोग समझ रहे होंगे, तो तबीयत खराब रहती है ना, तो उन दिनों भी मैं सोचती हूँ कि मैं अपने आप को ना बहुत फिट लगूँ, बहुत अच्छा दिखूँ, बहुत फ्रेश दिखूँ। और किसी ने एक बार ये भी कहा था कि लिपस्टिक का यूज़ तो आप तबीयत खराब में भी ऐसे की रहती, कौन समझेगा। तो यस, मैं करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं जब खुद को महसूस अच्छा नहीं करूँगी तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए खुद को पहले अच्छा महसूस करने के लिए मैं खुद फिट एंड फाइन रहना चाहती हूँ, खुद उन चीज़ों का यूज़ करना चाहती हूँ जो मेरे व्यक्तित्व में निखार लाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी, मुझे अच्छा नहीं लगता और कभी नहीं किसी ने कहा होगा, इसलिए मैं आप लोगों से, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं खुद को कभी भी खराब ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर सकती हूँ। आज भी मेरे सिर में मतलब कि इस पोर्शन में और यहाँ पे और इस कान के पास में ना बहुत दर्द हो रहा है, हो सकता है मुझे दिखाना पड़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने फ्रेंड्स के सामने अपने आप को गलत ढंग से प्रेजेंट करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए ये सारी यही छोटी छोटी बातें थी जो मैं आप लोगों से मतलब बताना चाहती थी। तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स जो हैं, सबसे पहले आप लोग हैं मेरे लिए, क्योंकि जो रोज़ मेरे वीडियोज़ देखते हैं, मेरे मतलब अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। नाश्ता तो नहीं बना है, अब जा रही हूँ, थोड़ा सा वो वाईफाई दिख रहा होगा आप लोगों को, और अब जा रही हूँ मैं रसोई घर में, देखती हूँ। तो वहाँ मूंगफली मैंने दिया है, थोड़ा सा करेला है तो उसको मैंने चढ़ा दिया, क्योंकि तीता होता है ना, तो वो थोड़ा सा बच्चे तो खाना पसंद नहीं करेंगे, तो थोड़ा उसको अलग तरीके से बना लेते हैं। और अभी हस्बैंड पूजा कर रहे हैं और मैं किचन में देखती हूँ कि क्या बनेगा। कुछ मतलब बहुत ज्यादा हेडेक लग रहा है अभी तो मुझे। यहाँ बैक कैमरे से दिखा रही हूँ कि थोड़ा सा मूंगफली मैं भून रही हूँ, और यहाँ देखिए मूंगफली है, इसे रोस्ट कर रही हूँ। थोड़ा रख दूंगी क्योंकि कभी कभी चावल भी भुनना होता है, या चूरा भुनना होता है, या चटनी बनाना होता है ना, तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। और बरसात के दिनों में मतलब जब थोड़ी गर्मी और थोड़ी बरसात, मतलब दोनों टाइप का हो ना वेदर, तो इसमें कीड़े लगने का बहुत चांस रहता है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। और यहाँ मैं दिखाती हूँ, देखिए बस जैसे तैसे चल रहा है। इसमें थोड़ा सा मैंने क्या किया है ना, कि पानी, थोड़ा सा बॉइल्ड पानी में इसको नमक डाल के रख दिया है, और इससे ना इसका कड़वापन जो है वो निकल जाएगा। और यहाँ दूध है, बस ऐसे ही है। और मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये मूंग थोड़ा सा मैंने रोस्ट करके रखा है। इस मूंग का देखते हैं, मतलब चोखा ही बनाएंगे,
और आप लोग को जरूर आप लोगों से शेयर करेंगे, ये भी बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग भी बनाते होंगे, लेकिन मैं अपने तरीके से इसको बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। एक और मेरा अपलोड होगा वीडियो मूंग का और चना दाल का, मैंने बनाया था, उसका काफी अच्छा व्यूज भी आया था, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से अब चलिए कुछ देखते हैं खाना पीना में क्या बनेगा। और यहाँ पर बस आलू करेले की भुजिया बनाना है। वो करेले को मैंने क्या किया है, बॉईल कर लिया है, थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल करने से इसका जितना कड़वापन है वो निकल जाता है। और यहाँ पर देखिए थोड़ा हींग डालेंगे, मेथी डालेंगे, थोड़ा सा तेज पत्ता डालेंगे। हींग मैं राकेश हींग यूज़ करती हूँ, इसका इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और ये कढ़ाई काफ़ी पुराना है, लेकिन ये बहुत साफ़ करती हूँ मैं, लेकिन अब पीछे का ना कुछ पोर्शन इसका उतना साफ़ नहीं होता। चलिए खैर कोई बात नहीं, इसमें भुजिया या पापड़ ये सब बहुत अच्छे से छानती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए आलू और करेला मैंने डाल दिया है और फ्लेम को बिल्कुल ही हाई रखेंगे। यहीं पर डाल देंगे सादा नमक और इस तरीके से ये भुजिया बहुत टेस्टी बनती है। आप एक बार मेरे तरीके से बनाएं तो बार बार बनाने का आपका मन करेगा। और ये देखिए करेला मैंने बहुत पतला भी नहीं काटा है, बस हाँ ध्यान रखें कि बॉयल करने के टाइम आप चाहें ना तो इसमें अमचूर पाउडर भी डाल के इसको बॉयल कर सकते हैं, उससे भी क्या होता है ना इसका कड़वापन चला जाता है। या करेला को बॉयल करने के टाइम में थोड़ा सा नींबू उसमें स्क्वीज कर दें तो उससे भी बहुत अच्छा रहता है। और यहीं पर डाल दिया मैंने हल्दी पाउडर, तो अब तो ये करेला करवा नहीं रहा, इसकी भुजिया बहुत टेस्टी बनेगी। पूरा वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, कोई भी बातें तभी समझ में आती है। यहीं पर डाल दिया थोड़ा सा धनिया पाउडर, तो धनिया पाउडर जनरल ही है, होममेड नहीं है ये, तो इसमें केवल धनिया ही है। और यहाँ मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला है जिससे कि भुजिया का एक बेहतरीन कलर आएगा। और इस तरीके से इसको तेज़ फ्लेम में ही रहने देना है, चला लेना है। और देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है हींग के वजह से। और इसमें अभी एक दो चीज़ें और पड़ेंगी, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। और देखिए एकदम फ्लेम तेज़ है, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, फ्लेम तेज़ में ही ये भुजिया बनाना है। और यहाँ देखिए राशन का जो कुछ सामान आया था ना, जो मैंने कंटेनर्स में रख डाले थे बड़े बड़े कंटेनर में, अब उसको व्यवस्थित करने का टाइम आ गया है। तो ये मूंगफली देखिए जो सूप में देख रहे हैं, तो इसे मैंने हाफ हाफ कर लिया है। हाफ मूंगफली को मैं रोस्ट कर रही हूँ और हाफ को ना बस धूप में लगा दिया है, क्योंकि इसे ऐसे ही रखना है। और यहाँ पर देखिए सौंफ है, राई है, मेथी दाना, जीरा और ये सरसों है, पंचफोरन भी है। इधर चावल में थोड़े कीड़े लग गए थे तो झटक के उसको मैंने रख लिया है। इस तरीके से जो भी काम दिखता चला जा रहा है वो सारा मैं आज कर लूँगी। और यहाँ देखिए पंचफोरन, तो और थोड़ा धनिया, तो धनिया को भी गोटा धनिया है ना, तो इसको मैंने रोस्ट कर लिया है। तो इस तरीके से सारा काम चलते रहता है। और थोड़ा सा यहाँ देखिए ये पंचफोरन रख लिया और ये देखिए मूंग है, तो मूंग का ना चोखा मुझे बनाना है। तो थोड़ा सा मूंग तो मैं ऐसे ही रख लूँगी धूप में लगा के, और थोड़ा सा रोस्ट करके रखा है, थोड़ा फूलने के लिए भी दिया है। अब देखते हैं किसको क्या करना है। तो जो मूंग मैंने रोस्ट किया है उसका मैं चोखा बनाऊंगी, उसका चोखा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और यहाँ पर भुजिया में थोड़ा सा फ्रेश दही मिलाएंगे, ये फ्रेश दही मिला करके जो भुजिया बनता है ना आलू करेले का, तो ये बहुत स्वादिष्ट बनती है। एक बार आप मेरे बताए गए तरीके से ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही अच्छा लगेगा और आप बार बार बनाएंगे। दही में थोड़ा सा भी खट्टापन नहीं रहना चाहिए। बहुत लोग अमचूर पाउडर भी से भी बनाते हैं भुजिया, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और यहीं पर डाल देंगे थोड़ा सा टमाटर। चलिए कुछ देर भुजिया को चलाते हैं। और यहाँ पर जितना ग्रॉसरी का आइटम है जो मैंने बड़े से कंटेनर में रख डाला था, अब सारे छोटे छोटे कंटेनर में सबको धूप लगा के मैं रख रही हूँ, क्योंकि अब नहीं रखूँगी तो कुछ भी चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो पाएंगी। तो चलिए सभी को रख लेते हैं। और यहाँ पर मैं पीहू से और हस्बैंड से बातें भी कर रही हूँ और कुछ कुछ बोल रही हूँ लाने के लिए, तो वही दोनों मतलब बातें भी कर रहे हैं और मुझे हंसा भी रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, फ्रेश जैसा लग रहा है।
और यहाँ देखिए जितने भी थोड़े थोड़े मसाले हैं, राई, पंचफोरन जो भी है, जीरा, अजवाइन जो भी, सभी को थोड़ा थोड़ा रख लेते हैं, क्योंकि अब अगर नहीं करेंगे तो बहुत टाइम मेरा लॉस हो जाएगा। और यहाँ पीहू को वही बोल रही हूँ कि मम्मी बहुत थक गई है, तो थोड़ा सा मम्मी का भी हेल्प कर दो। और मतलब कि बच्चों की पढ़ाई भी बहुत होती है ना, तो वो नहीं चाहते बार बार सुनना, लेकिन मेरा यहीं पर डाइनिंग हॉल में बैठ के मुझे आराम लग रहा है, मैं कह रही हूँ मदद करने के लिए। थोड़ा सा हेल्प कर दो आज मम्मी का, वैसे तो तुम रोज करती हो, अभी तुम्हारा खेलने का टाइम है ना गर्मी छुट्टी का, लेकिन कोई बात नहीं, आज भर बस कर दीजिए बाबू, लीजिए इसको रख लीजिए, किचन में रख दीजिए। थैंक यू, वेलकम। भुजिया बन गई है, दिखा दे रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए हस्बैंड के साथ। और टेस्टी भुजिया करेले की बनके तैयार है, दही वाली भुजिया, थोड़ा भी इसमें कड़वापन नहीं है, और जिसे तीता भी हम लोग कहते हैं, कड़वापन नहीं है और बहुत अच्छा बनता है। एक बार ज़रूर से मेरे बताए गए तरीके से ट्राई करें तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो इस तरीके से ना बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है, और इस मोबाइल में ना उतना स्टोरेज नहीं रहता, तो अभी मुझे दूसरे मोबाइल में क्या करना होगा, सारे मतलब जो भी मेरे वीडियोज हैं उसको शेयर में से ट्रांसफर करना होगा, और तभी कुछ हो पाएगा। तो पहले तो रसोई घर में कुछ कुछ काम कर लेती हूँ, फिर वीडियोज को ट्रांसफर करना होगा, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में फिर। तो चलिए यहीं पर वीडियो का मैं एंड कर रही हूँ, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब लग रहा है कि अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, नाश्ता हो गया है, हस्बैंड भी कर लिए और मैं भी कर ली हूँ, और काम तो पूरा फैला हुआ है, और जो भी काम होगा तो वो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, उसको बाद में फिर देखते हैं, और अभी वैसे भी मैं आराम करूँगी, और ये वीडियो हो सकता है रात तक अपलोड होके जाएगा, आप लोग ज़रूर से लाइक करिएगा। चलिए और चलिए फिर मिलते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, जो भी मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, मुझे कॉमेंट्स करते हैं, सभी को मेरे तरफ से थैंक्स फॉर वॉचिंग।